शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अरशद सोमरू शेयर कर रहे हैं। अरशद कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ, आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मेरे ताया अबू की ज़िंदगी की कहानी है। आज से 25 साल पहले की बात है। मेरे ताया अबू एक जगह पर, गांव था उन लोगों का सिंध में, वहाँ पर वो रहते थे। तो काम के सिलसिले में वो भी कराची के इलाकों में ही आए हुए थे। तो वहाँ पर एक ऐसी जगह थी, एक बहुत कदीम और पुरानी इमारत थी। उस इमारत के बारे में ये मशहूर था कि वो इमारत जो है अंग्रेज़ों के दौर की थी, पाकिस्तान बनने से पहले की वो इमारत थी। बहुत बड़ी और बहुत रकबे पर फैली हुई वो इमारत थी। वहाँ पर उस इमारत के अहाते में, जो उसका फ्रंट हिस्सा था, वहाँ पर बहुत बड़ा एक इमली का दरख्त लगा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो वहाँ पर मेरे ताया अबू एक जगह पर काम करते थे, तो वो लोग ये इमली का व्यापार करते थे। उन्होंने कहा कि हमें फलां जगह पर पता चला है, वहाँ पर किसी का आना जाना भी नहीं है, आबादी से हटकर वो जगह है, तो वहाँ से हम लोग इमली लेकर आते हैं। मेरे ताया अबू भी इनके साथ चले गए। ये तीन लोग थे। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे, पूछते पूछाते वहाँ पर पहुँच गए। अब वो जो हिस्सा था, वो जो बिल्डिंग थी, वो एक आबादी से होकर ही, गांव की एक आबादी थी, वहाँ से होकर ही गुजरता था। सर्दियों का मौसम था। ये लोग सुबह ही निकल गए। वहाँ पर जाते जाते लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। असर के करीब ये लोग वहाँ पर पहुँचे। जैसे वहाँ पर गए तो गांव के कुछ लोगों से पूछना शुरू किया, तो उन लोगों ने मना किया कि भूलकर भी वहाँ पर मत जाना, वो जो इमली का पेड़ है वो इस हद तक आसेबज़दा है कि वहाँ पर जिन्नात मगरिब से पहले ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। गांव का कोई भी फर्द उस इमली वाले दरख्त के नज़दीक नहीं जाता, जितनी मर्जी उसके ऊपर इमली लगी हो, पकी जब वो पक भी जाती है तब भी वहाँ पर कोई नहीं जाता। तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत अगर चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन उन दोनों ठेकेदारों ने ये कहा, नहीं, हम लोगों ने जाना ही जाना है, हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी पर जा रहे हैं, बस तुम लोग हमें रास्ता बता दो। फिर भी गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। बिलाकर ये तीनों लोग वहाँ पर चले गए। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो असर के बाद तक का टाइम शुरू हो चुका था। ताया अबू बताते हैं, वो इतनी बड़ी इमारत थी, सामने नज़र आ रही थी वो इमारत, उसकी खिड़कियाँ दरवाज़े टूटे हुए थे, कुछ लगे हुए थे। वहाँ पर एक नहीं, वहाँ पर दो इमली के पेड़ थे। एक बिल्कुल उसके फ्रंट पर था, एक हम लोगों को बैक साइड पर नज़र आया। हम लोगों ने सोचा कि पहले जो ये वाला दरख्त है इसके ऊपर से उतार लेते हैं, फिर वो जो पिछले दरख्त है उनके ऊपर चले जाएंगे। तो वो जो मेरे साथ ठेकेदार थे उनमें से एक ने कहा कि मैं ऊपर चढ़ता हूँ। जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ने लगे तो हमें उस बिल्डिंग में से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बड़े गुस्से से बोला है कि जाओ। बाकायदा हम लोगों ने ये आवाज़ सुनी, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी। हम लोग बड़े परेशान हुए कि ये कौन बोला है। इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। ऐसा महसूस हुआ कि एक वजूद नज़र आया जो उस बिल्डिंग में खड़ा हुआ है। अंदर अंधेरा, अंदर तो बहुत अंधेरा था, उस दिन के टाइम भी अंदर अंधेरा लग रहा था, इतनी बड़ी वो इमारत थी। हम लोगों ने ये कहा कि शायद यहाँ पर कोई हो, कोई इसका मालिक होगा, या कोई यहाँ पर आया होगा जिसने हमें ये काम करने से मना किया। मुझे उस ठेकेदार ने कहा कि जाओ देख कर आओ अंदर कौन है। अब मैं डरता डरता जैसे ही उस इमारत की तरफ गया, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, एक बंदा भी नज़र नहीं आया। सामने उस कमरे के सामने कोने में भी एक दरवाज़ा था। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इस बिल्डिंग में आगे कमरे की तरफ एक और दरवाज़ा है।
उन लोगों ने कहा कि जाओ शायद वहाँ पर कोई हो, अभी बाद में हम लोग देख लेंगे, वापस आ जाओ। तो मैं वापस आ गया। इतने में वो जो एक ठेकेदार था वो ऊपर चढ़ गया इमली उतारने के लिए। जैसे वो ऊपर चढ़ा, अभी वो इमली तोड़ रहा था, एकदम से उसने चीखना शुरू कर दिया। इतना शोर मचा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी इसको हुआ क्या है। हम लोगों ने जब उसे देखा तो वो चीख रहा था और ऐसा लग रहा था कि काले रंग का साया है जो उसके ऊपर झुका हुआ है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो ऐसे तड़प रहा था। उसके ऊपर से हम लोग उसको खींच रहे थे कि हम उसको नीचे उतार सके, इतना ऊंचा दरख्त नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो भी वो बिल्कुल दरमियान वाले तने पर ही था। लेकिन उसकी चीखों पुकार बहुत ज़्यादा थी, वो ऐसे बिलक रहा था कि मुझे बचा लो, मेरा गला कोई दबा रहा है। काले रंग का साया मैंने भी देखा और मेरे साथ जो वो दूसरा ठेकेदार था उसने भी देखा। हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग दरख्त के ऊपर चढ़कर इसको नीचे उतारते हैं। इतने में वो जो साया था उसने उसको यूं उठाकर नीचे फेंका, इमली के दरख्त के ऊपर से यूं फेंका कि जैसे कोई पत्थर फेंकते हैं, जैसे उसका कोई, उसके वजूद का कोई वेट है ही नहीं। वो वहाँ पर गिरा और कलाबाजियाँ खाता खाता वो काफ़ी दूर तक जाकर वो गिरा। हम लोग भागे उसकी तरफ। उस वक्त तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बेहोश हो चुका था। हम लोगों को तो हाथों पैरों की पड़ गई कि पता नहीं अब इसको क्या हो गया, इसका क्या करें। इधर उधर देखा, हम लोगों को कोई भी नज़र नहीं आया। तभी हम लोगों ने वहाँ पर, अभी हम लोग उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने सोचा अगर हमें पानी मिल जाए तो हम लोग पानी कहीं से इसके मुँह के ऊपर छींटे मारते हैं। मैंने ठेकेदार से कहा कि मैं अंदर जाता हूँ, शायद वहाँ पर वो जो कमरे के अंदर कोने वाला वो जो दरवाज़ा, शायद वो कोई वॉशरूम हो, मैं वहाँ से कोई पानी लेकर आता हूँ। वो ठेकेदार वहीं पर था, मैं भागता हुआ अंदर गया। काफ़ी बड़ा वो, एक ऐसे लग रहा था जैसे तीन चार कमरों का एक ही हिस्सा है, उसमें कोई दीवार नहीं है। जब मैं भाग कर वहाँ पर गया, मैंने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, बाहर से दरवाज़ा बंद था। मैंने उसकी कुंडी खोली, मैं अंदर जाने लगा, ऐसा लग रहा था दरवाजे को किसी ने पुश किया हुआ है। मैंने दो से तीन दफ़ा उसको खटखटाया और फिर मैंने तीसरी दफ़ा जब दरवाजे को धकेल कर खोला, दरवाज़ा खुल गया। जैसे मैं बाथरूम के अंदर गया, अगला मंजर देखकर मेरे चीखें निकल गईं और मैं पता नहीं वहाँ से भागा कैसे। जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर बाथरूम की दीवार के साथ उल्टा एक इतना भयानक वजूद लटका हुआ था। उसके इतने लंबे लंबे हाथ थे, उसके पैर इतने लंबे थे, उसका चेहरा इतना डरावना था और वो उल्टा लटका हुआ था, जैसे टांगे छत की तरफ हैं और बाकी सर ज़मीन की तरफ, और मेरी तरफ उसने फेस किया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसको देखने की देर थी, मैं वहाँ से चीखे मारता हुआ बाहर भागा। जब मेरी चीखों पुकार सुनी, वो ठेकेदार वैसे ही डरा हुआ था। उसने कहा कि क्या हुआ, मैं तो उसको कुछ बता भी नहीं पा रहा था। हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई। जैसे कैसे करके हम लोगों ने उसे उठाया, वो जो ठेकेदार बेहोश था उसको उठाया, हम लोग गाँव की आबादी में लेकर आए। वहाँ पर हम लोगों ने पूछा कोई डॉक्टर या कोई हकीम वगैरह है तो बता दें, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। गाँव के सभी लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा समझाने की सेंस में हम लोगों को कहा कि तुम लोगों ने बहुत गलती की है। वहाँ पर उस इमारत पर, सिमली के दरख्त के ऊपर एक देव का बसेरा है। इस इमारत के ऊपर एक देव का बसेरा है। उस देव को गाँव के बड़े बुज़ुर्गों ने अपनी आँखों से देखा है और जो लोग उसको देख लेते थे वो बेहोश हो जाते थे। कई कई हफ्ते उन्हें होश नहीं आता था। इतना डरावना वो उस बिल्डिंग का हिस्सा है कि वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। वहाँ पर चले जाओ तो उसकी सांस लेने की आवाज़ ऐसी आती है जैसे उसे पूरी बिल्डिंग हिल रही है, और वो मुख्तलिफ रूप लेकर सामने आता है। ज़्यादातर वो काले गधे के रूप में वहाँ पर हांक रहा होता है। कभी उस गधे का कद बहुत ऊंचा हो जाता है, कभी गधे का कद बहुत छोटा हो जाता है। कभी वहाँ पर बिल्ली नज़र आती है, बकरी नज़र आती है, अजीबोगरीब मखलूकात बन के वो सामने आते हैं। कभी वो एक ऐसे इंसान के रूप में आता है जो ऐसे झुका हुआ होता है, बड़ा अजीब होकर चल रहा होता है। खैर, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए, मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मैंने लोगों को बताया कि मैंने वहाँ पर एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा है। फिर जैसे कैसे करके एक हकीम साहब आए, उन्होंने चेक किया, बड़ी कोशिश की कि उसको होश आ, जैसे होश नहीं आ रहा था। फिर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कुछ दम वगैरह किया तो वो जो ठेकेदार था वो इस तरह से तड़पने लग गया जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन एक घंटे के बाद, उसने आंखें खोली, उसे कुछ होश आया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो कहाँ पर है, कहाँ बनी, पागलों जैसी बातें करने लग गया, कभी हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए। फिर वो रात हमने उस गांव में ही गुजारी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सफ़र की हालत नहीं थी, उठा नहीं जा रहा था उससे।
वो बार बार ये कह रहा था कि जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। उसको फिर कोई दवाई वगैरह भी उन्होंने पिलाई। हम लोग एक गाँव के घर में ही रुके, शदीद सर्दी का मौसम था, वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से रखा। तकरीबन गांव के काफ़ी लोग वहाँ पर उस बैठक में बैठे रहे, रात तक उस इमारत की बातें होती रही। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि वो क्या इमारत है, वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। तो लोगों का ये कहना था वो इमारत अंग्रेज़ों के दौर से भी पहले की है। तो वहाँ पर बहुत लोगों ने कोशिश की उस इमारत को यूज़ करने की, उसे आबाद करने की, वहाँ पर नए नए काम करने की, लेकिन वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा होते थे, जानी नुकसान बहुत होते थे। काले रंग के साए नज़र आते हैं, रोने पीटने की आवाज़ें आती हैं, बच्चों के, आदमियों के चीखने की आवाज़ें आती हैं, कभी कोई हो तो किसी औरत के रोने की आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर एक बहुत भारी आवाज़ में एक मर्द की चीखों पुकार सुनाई देती है। वहाँ पर एक आमिल साहब ने जब पढ़ाई करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पढ़ाई भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़े देव का बसेरा है और वो बहुत कदीम और पुराना उस जगह पर रहता है। इस वजह से वहाँ पर कोई भी इंसान अगर जाएगा तो जाने नुकसान उठाएगा। उस इमली वाले धक्के ऊपर भी इसका साया था। और वो कहते हैं इस हद तक डरावनी आवाज़ें उस बिल्डिंग में से आती हैं, जब कोई आंधी तूफान आता है उस तरफ से इतना शोर आता है कि हम लोग डर जाते हैं, जाकर भी कोई इस इमारत के करीब नहीं जा सकता। फिर वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, लोगों का ये कहना था कि हमने अपनी आंखों से कई बार वहाँ पर अजीबोगरीब मखलूकात देखी हैं। बहुत से लोगों ने जब वहाँ पर काम करने की कोशिश की तो उनको जानी नुकसान भी हो गए, रात को सोते थे तो सुबह जागते ही नहीं थे। तो उसके बाद फिर वो जगह बिल्कुल खाली कर दी गई, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तुम लोगों को इसीलिए मना किया था। खैर फिर हम लोग सुबह वापस आए, वो जो ठेकेदार था जिसके ऊपर हमला हुआ था उसका ज़हनी तवाज़ुन काफ़ी अरसे तक बिगड़ा रहा, वो ठीक हरकते नहीं करता था, रोता रहता था, अच्छा खासा एजड आदमी था। बहुत उसका इलाज करवाया, तकरीबन एक साल के बाद वो जाकर कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ, नहीं तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके घर वाले कहते थे कि अजीबोगरीब चीज़ें इसको नज़र आती हैं, इसको डराती हैं, तो इसकी हालत अजीब हो जाती है, बहुत वर्स कंडीशन थी उसकी। फिर मेरे ताया अबू ने इस जगह पर काम करना उन लोगों के साथ छोड़ दिया, और फिर वो मेरे ताया अबू ने एक और जगह पर काम किया। लेकिन ये स्टोरी उनकी खुद की ज़िंदगी की थी, और वो कहते हैं कि जो वजूद मैंने उस बाथरूम में देखा था लटका हुआ, मैं इसको ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकता, इतना भयानक था जिसका कोई हिसाब ही नहीं, अजीबोगरीब वो कोई चीज़ थी। तो ये एक स्टोरी थी जो मेरे ताया अबू ने मेरे से शेयर किया, और मैंने आपके साथ, बहुत शुक्रिया अरशद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ुबैर शेयर कर रहे हैं अटक से। ज़ुबैर कहते हैं मैं अटक का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है, एक रात की बात है, मैं अपने घर वापस जा रहा था। तो जिस रास्ते से मैं होकर जा रहा था, जिस रास्ते से मैं जाया करता था, वो रास्ता ब्लॉक था। शायद वहाँ पर वो तामीराती काम हो रहा था तो लोगों ने वो रास्ता बंद किया हुआ था, मुझे दूसरे रास्ते से होकर जाना था। वो जो दूसरा रास्ता था वहाँ से मैं कभी भी नहीं गुजरा था, यहाँ तक कि मुझे उस एरिया का भी नहीं पता था। अब मैंने घर तो जाना ही था, वहाँ पर जो लिंक रोड लगता था मैं उसके ऊपर अपना बाइक लेकर जा रहा था। तकरीबन टाइम देखा मैंने तो रात के 12:30 बजे का टाइम था, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने सोचा कि ये जो लिंक रोड जाता है इसके ऊपर से फिर अब जाता हूँ, पता लगेगा आगे कौन सा रास्ता है कौन सा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी उस रास्ते पर गया नहीं था, इतना ख़ास मुझे आइडिया भी नहीं था। मैं जिस तरफ से आ रहा था वो हम लोगों के इलाके से काफ़ी दूर जगह थी, मुझे कोई काम था, उस काम के सिलसिले में मैं वहाँ पर गया हुआ था, इसीलिए मुझे देर होगी। ऊपर से सर्दी का मौसम था, शदीद ठंड थी, बिल्कुल सन्नाटा, सड़कें खाली, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था, दूर से बस जानवरों के बोलने की, भौंकने की आवाज़ें कुत्तों की आ रही थी। मैंने जैसे उस लिंक रोड पर सफ़र शुरू किया, उसके दोनों साइडों पर बहुत घने दरख्त थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई वीराना या जैसे कोई जंगल का हिस्सा है। सेंटर में सड़क थी, मैं इसके ऊपर आराम आराम से बाइक चला कर जा रहा था, धुंध भी बहुत थी और ठंड भी थी।
डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं ये रोड कहाँ पर जाकर निकलता है, किस जगह पर है। वहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था कि मैं किसी से पूछ सकूँ कि जिस साइड पर मैंने जाना है ये रास्ता उस तरफ जाता भी है या नहीं। बिलाखिर मैं चलता गया। वो सड़क इतनी तवील थी, इतनी लंबी सड़क थी कि वो सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी आगे जब मैं सड़क के आ गया तो मुझे सड़क के किनारे पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने कुछ देखा है। धुंध होने की वजह से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जैसे अपने बाइक की रोशनी में देखने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लेटा हुआ है, कोई सफ़ेद कलर की चादर लेकर, काफ़ी लंबा उसका कद है। अभी तो मौसम भी इतना शदीद सर्दी का था, धुंध थी, इतनी रात को भला ऐसी हरकत कौन कर सकता है, वो भी वीराने में, वीरान सड़क पर जहाँ पर कोई आबादी का नामो निशान मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। अजीबोगरीब मेरे जहन में वहम आने लग गए कि कहीं कोई ऐसा सीन ना हो कि किसी को कोई मार के फेंक गया हो, ये काम ना हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरने लगा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसमें मूवमेंट हुई है, उसके पाँव हिले हैं जैसे, क्योंकि मैं बाइक की रोशनी में इस पर पूरा फोकस कर रहा था। अब मुझे और वहम होने लग गया कि शायद कोई किसी को फेंक गया और वो अभी भी ज़िंदा है तो मुझे तो इसको देखना चाहिए। अब मैं वीराने में इसको छोड़कर तो नहीं जा सकता, उसके पाँव भी हिल रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी, अगर किसी ने किसी को मारा भी है तो उसको कोई ज़ख्म नहीं आया, उसके वो चादर सफ़ेद कलर की, उसके ऊपर कोई मैंने खून का धब्बा वगैरह नहीं देखा। मैंने डरते डरते अपना बाइक रोका, अल्लाह का नाम लिया, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंकी। मैं पास गया तो मैंने उसको आवाज़ दी कि कौन है तुम और यहाँ पर क्यों लेटे हो तुम। दो से तीन दफ़ा पूछा उससे मैंने, कोई जवाब नहीं आया, बस सिर्फ़ उसके पाँव ही हिल रहे थे। अब मैं और ज़्यादा डर गया कि ये क्या माजरा है, बोल तो रहा नहीं है, पाँव इसके हिल रहे हैं, किसी बात का ये जवाब नहीं दे रहा। खैर मैंने डरते डरते उसकी वो चादर हटाने की कोशिश की। पहले दो तीन दफ़ा सोचा हटाऊँ कि ना हटाऊँ, डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। कोई दूर दूर तक वहाँ पर नहीं था और मेरे सामने एक आदमी लेटा हुआ है, कद उसका बहुत ज़्यादा लंबा था। जैसे ही मैंने उसकी वो वाइट चादर हटाई तो जो मैंने चेहरा देखा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी थी तो मैं बच गया। इतना डरावना चेहरा था वो, इतना काला रंग था, इतना स्याह रंग था उसका, और उसकी आंखें यूं थी जैसे उनमें से आग निकल रही है। उसने आंखें खोली और वो हंसने लग गया। मेरा बाइक स्टार्ट ही था, मैंने अल्लाह अकबर ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मैं अपने बाइक पर बैठा, मैंने बाइक की स्पीड फुल कर दी। इतनी डरावनी मेरी बैक साइड से आवाज़ें आ रही थी और वो हंस रहा था, चीख रहा था, कोई जिन भूत था वो, क्या था क्या नहीं। आधी सड़क तक वो मेरे पीछे भागा। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी। पता नहीं कैसे करके मैं उस सड़क से निकला। आगे गया तो आगे मुझे एक छोटी सी जैसे कोई कस्बा टाइप जगह होती है वो नज़र आई। मेरा चीखो पुकार बहुत ऊंचा था। वहाँ पर अक्सर लोगों के कच्चे घर होते हैं। जब मेरी ऊंची आवाज़ में लोगों ने चीखो पुकार सुनी मेरी तो एक दो लोग समझे कि पता नहीं बाहर क्या हो गया। उन लोगों को ये लगा कि शायद कोई आदमी है तो उसको कोई चोर वगैरह, शायद किसी के घर आ गए हैं। तो मुझे दो तीन लोगों ने आवाज़ें दी कि कौन हो तुम, ऐसे लगा जैसे जाग गए हैं। मैं तो इस हद तक खौफ ज़्यादा था कि मेरे में तो रुकने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि जो मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं पता नहीं ये भी इंसान है या नहीं है। मैं वहाँ से निकला, आगे गया तो आगे एक और सड़क आई, उसको क्रॉस किया तो फिर आगे मुझे महसूस हुआ कि ये वही रास्ता जहाँ से मैंने गुजरना था। उस तरफ आया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें बनी हुई थी। वहाँ पर रुका, एक दो शॉप्स अभी खुली हुई थी, पानी पिया। मेरी हालत देख कर बहुत से लोग वहाँ पर पास वाली दुकानों वाले भी आके कि पता नहीं इस आदमी को क्या हुआ है जो इसकी ये हालत है। बड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने उन लोगों को बताया कि इस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ और मैं उस सड़क से आ रहा था। उनमें से एक आदमी ने बताया कि वो उसी वो जो कस्बा टाइप जगह थी वहाँ का वो रहने वाला था। उसने ये कहा कि वो जो रास्ता है वहाँ से दिन के टाइम भी लोग नहीं गुजरते, इस मेन रोड को यूज़ करते हैं। वो एक सड़क है पूरी, काफ़ी लंबी सड़क है और उसके दोनों साइडों पर कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा पुराने जंगलात हैं और उनमें कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर कुछ कब्रें भी हैं जिसकी वजह से वो जगह बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है। वो कब्रें किसकी हैं किसकी नहीं, 10 से 12 कब्रें हैं उन दोनों साइडों में से किसी एक जगह पर। वहाँ पर इतना जिन्नात है, इतना जिन्नात है कि दिन के टाइम भी अगर उस रोड पर जाएँ या तो कोई गाड़ी कोई बाइक ख़राब हो जाता है
या अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई ना कोई अजीबोगरीब मखलूक सामने आ जाती है। मैं तो बस अल्लाह ने मुझे बचाना था बचा लिया, क्योंकि मैंने तो उसको बहुत करीब से देखा था। फिर मैं उन लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया, कुछ देर वहाँ पर रुका। जब मैं मेरी कंडीशन कुछ स्टेबल हुई तो मैं अपने घर वापस आया। घर वाले भी परेशान थे, इतना देर से मैं घर पहुँचा, तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब मैं घर पहुँचा। घर वालों को सारा माजरा बताया तो अम्मी वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर 2-3 दिन मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मेरे जहन पर उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा था। दम वगैरह करवाए मैंने, सदका खैरात किया, तब जाकर मुझे कुछ ज़हनी सुकून मिला। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका। इसने हमेशा अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं और सबसे पहला सवाल ही एक मुसलमान से नमाज के बारे में होगा। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा करें और कोशिश किया करें कि नमाज बिल्कुल भी कज़ा ना हो, वक्त पर पढ़ा करें और अल्लाह से अपनी दुआ मांगा करें, अपनी सेहत तंदुरुस्ती की, अपने बचाव की, अपने वालदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए दुआ मांगा करें और नमाज की पाबंदी लाजमी करें। इंशाल्लाह कभी भी कोई ऐसी गैर मरी मखलूकात जो इंसानों को नुकसान देने वाली हैं कभी आपके करीब नहीं आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हॉरर उर्दू सेंटर पर कल मैं नया नावल ऑन एयर करूँगी, फर्स्ट एपिसोड होगी। वो कौन सा नावल होगा ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, सो कल विज़िट करिएगा। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 एंड हॉरर शॉर्ट्स पर भी मैं डेली शॉर्ट्स और व्लॉग पोस्ट करती हूँ, उनको भी विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह नेकी बात।